दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंह और सनी पाड़ी की मूवी जो है SDGM जो गोपी चंद मलनानी बना रहे हैं मैत्री मूवी के साथ, उसमें एक और अपडेट आ गया। मैं जितना भी अपडेट है आपके साथ शेयर करता रहा हूं। रणदीप हुड्डा भी इस मूवी में जब आए थे, सनी पाड़ी ने इंस्टाग्राम अकाउंट में उनके फोटो को शेयर किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन अब एक और नाम इस मूवी से जुड़ गया है, क्योंकि आप देखिए जो गोपीचंद मैत्री मूवी है उसकी जून से ही इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। और शूटिंग क्योंकि आप जानते हैं कि मैत्री मूवी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े जो पिक्चर हैं उसको उन लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर है, पुष्पा के साथ भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो बड़े बजट की मूवी बनाना चाहते हैं। इसलिए धीरे धीरे उसके साथ अब कास्टिंग भी फाइनलाइज होने लगा है कि इसमें कौन कौन सा काम करेंगे। अब जैसा कि आप कई दोस्तों ने पूछा कि रणदीप हुड्डा का क्या रोल है, तो रणदीप हुड्डा उसमें मेन विलेन का रोल कर रहा है, कोई सनी पाजी का ऑपोजिट काम करेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत बड़ी एक्शन मूवी होगी, दावा तो ये किया जा रहा है कि मतलब इंडिया की बहुत बड़ी एक्शन मूवी होगी। लेकिन अब एक्शन मूवी तो कोई सीमा नहीं है, काफ़ी पिक्चर एक्शन मूवी में आ चुके हैं, तो अभी एक किस लेवल की एक्शन मूवी होगी? क्योंकि देखिए धर्म पाजी का या सनी पाजी का एक अलग लेवल का एक्शन होता है, मतलब उनका एक्शन जो होता है ज़्यादा VFX वगैरह का नहीं होता है। आप जाके गदर भी देखेंगे, कोई भी उनकी मूवी उठा लीजिए, बॉर्डर हो, गदर हो, गदर वन हो, कहीं भी उनका मैं VFX ज़्यादा, अभी तो मान ली VFX का दौर भी है जो अभी गदर 2 आई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही रॉ उनका फाइट सीन होता है। और सनी पाजी में वही सब शूट करता है, घायल देखिए, घातक देखिए, मतलब एक अलग तरह का, मतलब लगता है कि आप लड़ रहे हो, आप अपनी पूरी दम से लड़ रहे हो, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कोई टेक्नोलॉजी से आदमी लड़ाई कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा एक आदमी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है 4 आदमी को मारने में, मतलब कैसे मार सकता है एक आदमी 4 आदमी को, उस तरह का फाइट करते सनी पाजी। तो अभी इसमें नाम जो जुड़ा है उनका भी नाम, करेक्टर तो काफी बड़ी पिक्चर नहीं है, नाम भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी 2 पिक्चरें आई हैं। इनका नाम है अभिनेता विनीत कुमार सिंह, ये पहले एक मुक्केबाज मूवी आई थी एक्टर की, मतलब पैन इंडिया मूवी थी, चली नहीं, लेकिन काफ़ी उन्होंने उनके रोल को सराहा, उनको एक एक्शन पिक्चर थी उसमें उनका बॉडी वॉडी दिखाया, काफ़ी उन्होंने काम किया। अब उनके उसके अलावा उन्होंने काम किया, एक और मूवी आई थी इसी के साथ उनका, जो रंगबाज मूवी थी उसमें भी वो आए थे, तो काफ़ी नाम है। अब उनका उनको इस मूवी के लिए कास्ट किया गया, कास्ट करते ही SD जो मैत्री मूवी है उन्होंने इसको शेयर किया है, और विनीत जो कुमार सिंह है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पे इसको शेयर किया है पोस्टर को, वेलकम ऑन बोर्ड विनीत कुमार सिंह और लिखा SDGM। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा, एक्साइटेड एंड ट्रूली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ द मैसिव एक्शन फिल्म ऑफ SDGM, वर्किंग विथ ए सच टैलेंटेड टीम इज ऑलवेज प्लेजर, लुकिंग सो फॉरवर्ड फॉर दिस वन, हैप्पी ब्लेस्ड ग्रेटफुल, मास फिस्ट लोडिंग, स्टारिंग एक्शन सुपरस्टार आई एम सनी देओल, डायरेक्टेड बाई द डू, आप उनका लिखा है डू गोपीचंद, और उसके बाद प्रोड्यूस बाई द मैत्री ऑफिशियल, पीपुल मीडिया फैक्ट्री, एट द रेट ऑफ रणदीप हुड्डा, उसके बाद एट द रेट ऑफ रेजिना कैसेंद्रा, एट द रेट ऑफ श्यामी, उसके बाद एट द रेट ऑफ म्यूजिक थमन, ऋषि पंजाबी, जो पहले से मैं बता चुका हूँ कौन कौन इसमें क्या क्या रोल कर रहे हैं, कौन म्यूजिक कौन दे रहा है, सब जब द रेट ऑफ बाबा साई कुमार, तो काफ़ी लोगों को उन्होंने टैग किया है। इस तरह से ये मूवी जो है अब बताया जा रहा है कि कहानी के बारे में भी एक, मतलब इसके बारे में जो अभी जो मतलब न्यूज़पेपर में एक खबर छपी, एक और न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा कि प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने एक मनोरंजन कहानी का संकेत दिया है जिसमें दोनों ही एक्टर्स को चुनौतीपूर्ण आकर्षक किरदारों में देखा जाएगा। मतलब जो इसमें अपने रणदीप हुड्डा हैं और वो, इसलिए इस मूवी को लेकर काफ़ी उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये भी एक अच्छे एक्टर हैं, ठीक है उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये रॉ फाइट इनकी भी मूव के बाद अच्छी रॉ फाइटिंग के देखा जाए तो अच्छी थी। तो देखते हैं अच्छे, जैसे जैसे खबरें आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।